हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है निरंजन और आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी जोन में स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डेली करंट अफेयर्स की जो रिवीजन क्लास है उसकी पार्ट फोर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप इस वीडियो को कम्प्लीटली एंड तक देखेगा, कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये 10 क्वेश्चन आपके लिए बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। मैंने हर बार कहता हूँ कि ये 10 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सही कहता हूँ। बस आपको 5 मिनट देने होते हैं और 5 मिनट में ये 10 क्वेश्चन आपको बहुत ही यूज़फुल होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इसी प्रकार की डेली प्रैक्टिस सेट, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बगल में नोटिफिकेशन बेल को ध्यान से ऑन रख लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है कि हाल ही में कौन सा राज्य देश का पहला धूम रहित राज्य घोषित होने जा रहा है, यानी कि धुआं रहित घोषित होने जा रहा है। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि केरल जो है आपका धूम रहित राज्य घोषित होने जा रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। और देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है कि किस मणिरत्न सार्वजनिक उपक्रम को प्रतिष्ठित टॉप चैलेंजर्स अवार्ड 2018 से सम्मानित किया गया है। तो देखिए, इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड को ये आपको सम्मानित किया गया टॉप चैलेंजर्स अवार्ड 2018 से। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है, आप इसको अच्छे से नोटिस करके रखिए। चलिए बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। और देखिए, थर्ड क्वेश्चन आपके सामने ये है कि केंद्रीय शहरी मंत्रालय ने किस तकनीक के साथ लू रिव्यू अभियान लॉन्च करने के लिए भागीदारी की है। तो देखिए, इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि गूगल के साथ ये समझौता हुआ था लू रिव्यू अभियान। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं थर्ड फोर्थ क्वेश्चन पे। और देखिए, फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है कि वैकल्पिक ईंधन के रूप में कंप्रेस्ड बायोगैस का को बढ़ावा देने के लिए पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा शुरू की जाने वाली स्कीम का नाम क्या है। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि सतत नाम से ये शुरुआत किया गया था पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा कंप्रेस्ड बायोगैस को बढ़ावा देने के लिए। सतत आपको ध्यान में रखना है, सतत SATT। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न, एकदम VVIP प्रश्न है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। और अगला प्रश्न हमारा यह है कि मदन लाल खुराना, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वो किस राज्य के पूर्व राज्यपाल थे। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि राज्यपाल जो थे वो आपका राजस्थान के पूर्व राज्यपाल थे। अगर आपसे पूछा जाता कि वो पूर्व किस राज्य के मुख्यमंत्री थे, तो वो दिल्ली के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और देखिए, अगला जो प्रश्न हमारा ये है कि विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2018 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है कि विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2018 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि सौरभ कोठारी ने ये जीता था विश्व वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2018 का खिताब। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और देखिए, जो अगला प्रश्न हमारा ये है कि रेल हेरिटेज डिजिटाइजेशन प्रोजेक्ट 2018 के सहयोग से लॉन्च किया गया था, यानी कि रेल हेरिटेज डिजिटाइजेशन प्रोजेक्ट जो कि 28 सितंबर 2018 को किसके सहयोग से ये लॉन्च किया गया था, ये पूछ रहा है। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि गूगल कला और संस्कृति के मदद से ये लॉन्च किया गया था। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट होगा। दोस्तों, आप मैं डेली हमारे इस चैनल पे डेली सुबह में करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराई जाती है, तो आप डेली सुबह में करंट अफेयर्स की जो क्लास होती है उसको ज़रूर ज्वाइन किया कीजिए, क्योंकि वह बहुत ही इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स होती है उनसे के बारे में हम लोग बात करते हैं, और उससे जुड़े जितनी भी एक्सप्लेनेशन होती है हम सारी की सारी करते हैं। तो हमारे साथ उस वीडियो को भी देखा कीजिए। और हमारे चैनल पे वैसे तो सारी वीडियो अपलोड की जाती है, बहुत सारी वीडियो, तो सारी वीडियो को आप जरूर देखिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगी। और देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि हाल ही में समाप्त हुए एशिया क्रिकेट कप 2018 में प्लेयर ऑफ द सीरीज किसे चुना गया था। जो हाल ही में एशिया क्रिकेट कप 2018 संपन्न हुआ था, उसमें देखिए जो प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया था वो थे शिखर धवन, यानी कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। और ये कहाँ पर हुआ था, तो देखिए एशिया जो क्रिकेट कप था वो दुबई में हुआ था। और भारत ने किसे हराकर ये कप जीता था, तो भारत ने बांग्लादेश को हराया था 3 विकेट से। और ये भारत जो था अपना 7 बार ये विजेता रह बन चुका है। ठीक है, तो ये आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान में होना चाहिए, बहुत ही VVIP प्रश्न है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और देखिए, जो 9th क्वेश्चन ये है कि 28 सितंबर 2018 को किस देश ने म्यांमार की नेता आंग सान सू की को दी गई मानव नागरिकता वापस कर ली है। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि कनाडा। ठीक है, आंग सान सू की को एक नागरिकता दी गई थी कनाडा के द्वारा और उसको वापस ले लिया गया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। और देखिए, आज का जो लास्ट क्वेश्चन हमारा आपके सामने इस प्रकार है कि गुवाहाटी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के दूसरे संस्करण का विषय क्या है, जो कि हाल ही में हुआ। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए,
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि वसुदेव कुटुंबकम इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो दोस्तों ये थी हमारी आज की 10 बेहद ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की कलेक्शन। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिसके आपके पास अगर आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप हो या फिर फेसबुक पे स्टडी ग्रुप हो तो आप हमारे इस वीडियो की लिंक वहाँ पर शेयर कर सकते हैं, ताकि आपके साथ जितने भी मेंबर्स हो या फिर आपके जितने भी रिलेटिव्स हो, फ्रेंड्स हो, जो कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, वो हमारे साथ जुड़े और अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करें और करंट अफेयर्स की जो आपका प्रॉब्लम होती है वो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करें। तो मिलते हैं इस प्रकार के अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।